क्वेश्चन नंबर 7 द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग ए पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन व्हिच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर हाउ वुड दिस पेपर लुक्स व्हेन अनफोल्ड। जब ये कट निकलेगा तो पहले ये फोल्ड नीचे का तरफ आएगा तो इसमें ऐसे आएगा और जब इस साइड में उल्टेगा तो इसका मिरर इमेज होगा तो उसी हिसाब से ये ऐसे बनेगा। तो ये ऐसे टाइप का फिगर ऑप्शन नंबर 3 तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नंबर 8 सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज एस के एच पी एम जी एम ओ एफ जे क्यू ई डैश। तो उसमें एस से 3 लेटर पीछे पी पी से 3 लेटर पीछे एम एम से 3 लीटर पीछे जे जे से 3 लीटर पीछे जी उसके हिसाब से के से एम प्लस 2 एम ओ प्लस 2 एम से क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 2 इक्वल टू एस। तो उसी हिसाब से जे एस एक ऑप्शन पे तो राइट आंसर जे एस डी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक इन सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज डिफरेंट। ऑप्शन 1 एच आई जे इन ए सीक्वेंस आर क्यू आर एस इन ए सीक्वेंस D E F in a sequence N M P तो ये उल्टा है तो ऑप्शन 1 2 3 इन ए सेम और सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 8 फ्रेंड्स A B C D E F G एंड H आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग द नॉर्थ F इज सीट बिटवीन डी एंड जी। बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए। ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। H is third to the left of C. Who is sitting between A and Who is sitting between A and E? The option 4 C is the correct answer.